Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे शैम्पू और कंडीशनर की जो मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से यूज कर रही हूँ। अफकोर्स जो मेरा 1 मंथ स्किन केयर रूटीन होता है वो अलग है हेयर केयर रूटीन से। क्यों? क्योंकि मैं बाल रोज नहीं धोंगी। क्यों नहीं धोंगी मैं? क्योंकि मेरे बाल हैं कर्ली और वैसे भी जैसे स्किन में मॉइस्चर होता है वैसे स्कैल्प भी आपकी स्किन है वो भी मॉइस्चर मांगती है। उसे बार बार इरिटेट करना मैं सही नहीं समझती। और जितने हेयर केयर पे मैंने वीडियोस देखे हैं एक्सपर्ट्स के उससे मैं ये यही समझी हूँ कि अल्टरनेटिव डेज पे बाल धोना या फिर हफ्ते में तीन बार बाल धोना काफी है किसी के भी हेल्दी हेयर केयर रूटीन के लिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही ये प्रोडक्ट्स मुझे कंपनी ने भेजे, मैंने खुद के ही पैसों से खरीदा है। मैंने हॉल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था तो मैं इस पे एक अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को 1.5-2 महीने से इस्तेमाल करने के बाद। कभी भी आगे जब भी मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो करूंगी या कोई पीआर भी मुझे भेजेगा तो मैं आप लोगों को हमेशा बताऊंगी। तो ये थे वो शैम्पू अकिन, ये जो है ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है अगर मैं गलत नहीं हूं। और मेरे को प्राइमरीली इसमें इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि इसमें नो वाली लिस्ट बहुत अच्छी खासी है, यानी कि इसमें सल्फेट्स नहीं है, SLS, SLES, ALS, ALES ये नहीं है, पैराबेन नहीं है, सिलिकन नहीं है, ग्लूटेन नहीं है, उसमें PEGs नहीं है, इसमें फैलेट्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, एनिमल डेरिवेटिव्स नहीं है। तो इसमें है क्या? ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। क्योंकि ज्यादातर क्या देखते हैं आप शैम्पू कंडीशनर या स्किन केयर ब्रांड्स जो ये बोलती हैं कि आपकी बॉडी केयर, स्किन केयर और हेयर केयर के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है, ये सल्फेट फ्री है। उसमें सल्फेट अगर नहीं होता तो कोई दूसरी चीज होती है जो लोग पोटेंशियली अवॉइड कर रहे हैं आजकल के ट्रेंड में। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स खराब है, लेकिन परसेंटेज मैटर करती है, लोगों की प्रेफरेंस मैटर करती है। लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नेचुरल DIYs करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट्स में ढूंढते हैं कि ये चीजें ना हो, कुछ लोग बिल्कुल ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर रिकमेंडेशन लेते हैं और कुछ यूट्यूबर्स के भरोसे रहते हैं जैसे आप लोग मेरे भरोसे हो। इसका जो प्राइस था उसमें मुझे थोड़ा सा शायद ऑफर मिला था, वैसे इसका प्राइस है 599, लेकिन मैंने थोड़े कम पैसे दिए थे जितना मुझे याद है। अभी भी शायद मैं देख रही थी नायका पे थोड़ा इसमें ऑफर चल रहा है। इसमें 225 ml आता है और इसमें भी 225 ml आता है। जो इनका कंडीशनर है वो 599 का है और शैम्पू जो है वो 549 का है। तो थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस आप देख रही हैं, 40-50 रुपए का है। इसमें पंप नहीं है तो थोड़ा सा मुझे लगा कभी कभी ना बहुत ऐसे मतलब जोर लगा के प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन फ्लिमजी नहीं है, स्टर्डी पैकेजिंग है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो जो कंडीशनर है वो बहुत ज्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, जो शैम्पू है वो बहुत जेल कंसिस्टेंसी का है। और इन्होंने बोला कि ये सेंसिटिव स्कैल्प के लिए है, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट आया क्योंकि मेरा स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, मुझे डैंड्रफ का इशू कांस्टेंट रहता है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एक स्थायी रूप से है वो वहां पर, तो मेरा डैंड्रफ कभी नहीं जाता, थोड़े दिन के लिए चला भी जाएगा तो फिर वापस आ जाता है। ठीक है, अगर मैं धूप में जा रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ तो मेरा डैंड्रफ कम था। ऑफकोर्स लाइफस्टाइल के आपके जो चॉइसेस होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो पानी मैं मोर और लेस ठीक ठाक ही लेती हूँ, आजकल थोड़ा कम कर दिया सर्दियों की वजह से। इसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट को आने में, मतलब जब मैंने इसको पहले 3 हफ्ते, क्योंकि इन्होंने पीछे लिखा हुआ है कि देखिए इसने इन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम टू नेचुरल, क्या आप पहली बार नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, लेकिन इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का ना होना किसी शैम्पू और कंडीशनर में, इस तरह का फॉर्मूला मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा 4 हफ्ते देना, 3 हफ्ते तक मैंने वेट किया, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, ये तो सेम ही है। जो इनका कंडीशनर है इसमें जो है रोजहिप ऑयल है जो कि हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है ओट एक्सट्रैक्ट, अगेन ओट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं कि ड्राई स्किन वालों के लिए, ड्राई स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है ऑर्गेनिक शेयर बटर, ये भी ड्राई स्किन और ड्राई स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा डैंड्रफ बिल्कुल चला जाए, नहीं होगा ऐसा। जब से मैं धूप में बैठ रही हूँ कुछ दिनों से तो मेरा डैंड्रफ खुद से ही कम हो गया है। मेरे को लगता है मेरे डैंड्रफ और धूप का कुछ तो रिलेशन है, आई हैव नो आइडिया कि क्या है वो।
लेकिन कुछ तो है। इस शैम्पू से जो मैंने उम्मीद करी कि मेरे बालों की हेल्थ अच्छी कर दे, उनको बहुत नरिशिंग दिखाए, वो इसने किया। मुझे बस ये लगता है कि नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर की तुलना में थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा लगता है इसका, थोड़ा सा। ये जो प्रोडक्ट है वो क्रूल्टी फ्री है, यानी कि जानवरों पे ये अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये 100% वीगन और हलाल ब्रांड है। ये इसकी जो पैकेजिंग है वो रिसाइक्लेबल है, हालांकि है तो शायद प्लास्टिक ही, बट ये करते होंगे रिसाइकल। इनका जो शैम्पू है वो फ्रेग्रेंस फ्री है, जो कि बहुत ज्यादा आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करना। तो ये काफी माइल्ड है और फ्रेग्रेंस फ्री है, और ये आपके स्कैल्प को एक रिफ्रेश फीलिंग देता है, आपके जड़ों को जो है मॉइस्चराइज रखता है, कम्फर्टेड रखता है। मैंने रिफ्रेश्ड वाली फीलिंग नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कोई ऐसा नहीं देखा वो रिफ्रेश हो गया मेरा स्कैल्प, नहीं। बट जैसा नॉर्मली धो के बालों का हो जाता है वैसा ही हुआ, कुछ ऐसा अल्ट्रा रिफ्रेशिंग नहीं लगा, लेकिन हाँ मॉइस्चराइज इसने किया मेरे स्कैल्प को और कम्फर्टेड भी रखा। मुझे जो अच्छी लगी इनकी बात कि पीछे आप पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट को थोड़ा सा ले, गर्दन पे लगाएं, 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपको नॉर्मल से कुछ भी हटके लग रहा है, लाल हो गया, खुजली हो रही है, कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है जो नॉर्मल से हटके है, तो आप उस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें। ओवरऑल मुझे ये दोनों ही शैम्पू और कंडीशनर पसंद आए, लेकिन अगर आप इसको प्राइमरीली इसलिए ले रहे हो कि आपका डैंड्रफ दूर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला ये, और मैंने कर्ली हेयर रूटीन ही इसके साथ फॉलो किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको मिलूंगी मेरी नई वीडियो के साथ। बाय।